हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जी। यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा। मेरे प्रियजनों, जो पिता हम सभी को सुबह दिखाता है, रात दिखाता है, हर एक दिन दिखाता है, किरण सूरज की किरण चमकाता है चेहरे पर, यीशु मसीह हम सभी को अपने पापों से मन फिराने का अवसर देता है, पश्चाताप करने का मौका देता है, समय देता है, वो घड़ी और टाइम देता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर ने सभी को टाइम देता है, घड़ी देता है, तो इस समय को हमको कीमती समझना है। हम अपने पापों से मन फिराएं, यीशु मसीह के पास लौट आएं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, स्वर्ग में एक ही बार चांस दिया जाएगा आने के लिए। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह पवित्र है। जिस प्रकार से यीशु पिता पवित्र है, उसी प्रकार से हम सभी को भी पवित्र बनना है। सारे चाल चलन में यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र हूँ, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, पवित्र बनना है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि पाप और पवित्र आत्मा हम सभी के अंदर दोनों नहीं रह सकते हैं। यदि हम दो नाव में पैर रखेंगे तो नाव बीच में ही डूब जाएगी। मेरे प्रियजनों, यदि आप बीमार हैं, यदि बीमारी में लिप्त हैं, यदि आप तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं, आप नहीं चंगे हो पा रहे हैं, तो आज आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आज आपको यीशु मसीह से बताने की आवश्यकता है। आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है। मेरे प्रियजनों, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको घुटने टेक के बैठना है और यीशु मसीह से बोल डालना है। यीशु मसीह से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी रख नहीं छोड़ेंगे, सब पिता से बोल देंगे, अपने मुँह से पश्चाताप करेंगे, अपने मुँह से अंगीकार करेंगे। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले जानते हैं हमारे पिता की हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह जानने वाला परमेश्वर, हृदय मन को जांचने वाला परमेश्वर है। ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है हमारा पिता। यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह हम सभी को जिंदा रखा है। वो टाइम, वो घड़ी, वो शाम वो रात दिखाता है, सुबह दिखाता है, इसके लिए यीशु का धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियजन, आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, भय खाए हुए हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आपकी ज़रूरतों को, इच्छाओं को यीशु मसीह पूरा करेगा, आपकी बीमारियों को, आपके डर को यीशु मसीह दूर फेंकाएगा। मेरे प्रियजनों, ठीक है, कोई शैतान, कोई बदरू, हर करधरा की बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे, वे कटेंगे, विफल होंगे, आज़ाद हो जाओगे आप यीशु मसीह के नाम से। आपकी गरीबी को दूर करेगा यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह के नाम से। अपने जीवन में उन शराब के बंधनों को, हर करधरा के बंधनों को, हर जादू टोना के बंधन को, काले जादू टोना के बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से तोड़ना है। मेरे प्रियजनों, प्रभु का धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह महान है, ये वही स्तुति के योग्य, वही बढ़ाई के योग्य, वही तारीफ के योग्य, वही प्रशंसा के योग्य। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा और अंत है। जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुना हुए हैं मेरे प्रियजनों, तो हम सभी को यीशु मसीह से बताना है। ठीक है, यीशु मसीह से बताना है। हमें अपने पापों को छुपाना नहीं है, हमें यीशु मसीह से शर्म नहीं करना है, यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानना है, स्वीकार करना है, छोड़ना है। और यीशु मसीह हमारे पापों को हिम के नाम उजला करेगा, श्वेत करेगा, वाइट करेगा, बर्फ के समान श्वेत कर देगा, दूध की तरह वाइट कर देगा हमारा परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा, पहले तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज्ञाएं क्या है मेरी प्रियजन, ये तो आपको पता ही, हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आज्ञाएं क्या है। 10 आज्ञाएं, चोरी न करना, झूठ न बोलना, गाली न देना, किसी का लालच न करना, हत्या न करना, खून न करना, है ना, यही सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने दिया है। तो इन सभी आज्ञाओं को हम सभी को अपने जीवन में फॉलो करना है, उन पर चलना है। ठीक है, यदि आपको ज्ञान की घटी है, बुद्धि की घटी है, प्रार्थना करना नहीं आता है, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। ठीक है, और बोलना है यीशु मसीह से, हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, उसी प्रकार से मुझे भी आप प्रार्थना करना सिखाइए। और यीशु मसीह आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। यीशु मसीह बिला उल्लाहना दिए हुए परमेश्वर, उदारता से देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को संदेह नहीं करना, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है, जितनी तेजी से वो आती होती है, तेजी से वह चली जाती है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, प्रार्थना शुरू करने से पहले हम वचन देखते हैं। ठीक है, यूहन्ना की पुस्तक 15:2 में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे मह वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह और छांटता है, ताकि और फले। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है, यानी हम सभी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। ठीक है, और यदि यीशु मसीह के आज्ञाओं पर नहीं चलते, पाप करते हैं, गलती करते हैं, गुनाह करते हैं,
फल नहीं लाते हैं तो यीशु मसीह बोलता है मैं उसको काट डालता हूँ, यानी यीशु मसीह उसको नष्ट कर डालेगा, उसको इस पृथ्वी पर से ही मिटा देगा मेरे प्रियजनों। ठीक है, आगे यीशु मसीह ने कहा है जो डाली फलती है, मतलब जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को पर चलते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, ध्यान धरते हैं मेरे प्रियजनों, ठीक है, फल लाते हैं, तो यीशु मसीह बोलता है मैं उनको छाँटता हूँ डालियों को, ताकि वह और फले और फल लाए और फलवंत होने पाए मेरे प्रियजनों। हम सभी को फल लाना है पाप के द्वारा, हमें अपने फलों को खोना नहीं है मेरे प्रियजनों। ठीक है, आगे यीशु मसीह का वचन कहता है 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें, यीशु मसीह ने कहा मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे और मेरी बातें जो यीशु मसीह ने सभी से कहा है वो बातें अगर हमारे अंदर बनी रहे तो हम जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वह हमारे लिए हो जाएगा मेरे प्रियजनों। ठीक है, तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता जो आपने मेरे समय सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पे चले गए होंगे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती, जाके कीड़े कभी नहीं मरते मेरे स्वामी। जो आपने मेरे पिता सभी को जीवित रखा पिता, इस संसार से चुना है, जूतों के बीच में उपस्थित रखा मेरे पिता, इसके लिए पिता का यीशु पापा का धन्यवाद करते। यस हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते मेरे स्वामी मेरे प्रभु, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, क्योंकि आप तारीफ करने के योग्य, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई महिमा के योग्य है मेरे पिता। मेरे प्रभु आपकी स्तुति करते, आपकी तारीफ करते। यस हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई मेरे पिता। जो सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुना हुए मेरे स्वामी, हम माफ करें, क्षमा करें मेरे पिता। हम मनुष्य निर्बल कमजोर है प्रभु, हम सभी से पाप गलती गुना हो सकते हैं मेरे प्रभु, हम माफ करें, क्षमा करें पिता, अपने लहू से शुद्ध करें पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, मेरे पिता आपके पास ये अधिकार है शिव पापा कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को ढाप सकते हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मेरे पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे समय पिता, अपने लहू से शुद्ध कर पिता। आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे पिता, आपने अपना लहू बहाके मेरे समय हम सभी को मोल खरीद लिया पिता। पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ, इन सारे मानव जाति के पापों का बोझ पिता आप अपने ऊपर ले लिए, कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए पिता मेरे पिता, और आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अब जीवित परमेश्वर प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जस हालेलुया मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर यीशु पिता, मेरे प्रभु जो बीमार है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके प्रभु ये नहीं चंगे हो पा रहे मेरे पिता, किसी का कैंसर है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरिया पिता, हर प्रकार की बीमारियों में लिप्त, जानलेवा हमला करने वाली बीमारियाँ पिता इनके शरीर में है, इनके जीवन में है मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता ये भाई बहन चंगे होने पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता किसी के पास मेरे प्रभु इतना पैसा नहीं है मेरे पिता की अपना इलाज करा सके मेरे पिता, यीशु पापा आप इन्हें छुए मेरे पिता, आप इन्हें चंगाई दीजिए, हीलिंग दीजिए, मेरा कल दीजिए, जिनके जीवन में वो बदलाव आने पाए, वो आजादी आने पाए, वो चंगाई उंडेल दीजिए, चंगाई 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 उंडेल दीजिए पिता, ये चंगे हो जाएं, हील हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है शिव पापा, आपने अपने वचन के माध्यम से कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा यीशु पिता, आपने कहा है मेरे प्रभु। मेरे पिता आपके नाम से मांगते पिता, पिता किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना इलाज हॉस्पिटल में करा सके, मेरे पिता के जीवन में यीशु मसीह आपके दास होने के नाते अधिकार देते हैं, आदेश देते हैं, मसीह बाबा चंगे हो जाए, हील हो जाए, होली गोस पारिश मसीह के नाम से, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए हर जन को, छू लीजिए हर जन को, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते जो गरीब है प्रभु, जो लाचार है पिता मेरे प्रभु, ये उधर उधर 100-100, 200 रुपये पढ़ने जाते हैं उसे उधार ले रहे पिता, ये उधर उधर उधार ना ले नहीं पाए मेरे पिता, क्योंकि मेरे प्रभु ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता बहुत उधार नहीं बन नहीं पाए प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है
मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आशीष के दरवाजे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ढूंढते खटखटाते हैं। तमाम मसीह भाई बहनों के घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, करीबी दूर हो जाए पिता। ये हजार जातियों को नहीं बल्कि बहुतरी जातियों को उधार देने बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता अपने काम में तेरे हाथ देने लिए बना दूंगा, मैं तेरे हाथ मांगने लिए नहीं, तेरे हाथ देने लिए हो नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मेरे पुत्र के हाथ देने लिए हो जाए यीशु के नाम में। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के संतान नहीं होती, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते मेरे स्वामी, मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थ को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे पिता, मेरे प्रभु उन्हें विश्वास है कि पिता अपने बच्चे देंगे। पिता जिस प्रकार से मेरे पिता आपने सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में, मेरे पिता इसी तरह से पिता इन बहनों को बच्चे दीजिए पिता। जिन बहनों के बच्चे नहीं होते मेरे पिता उन्हें छू लीजिए पिता, बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फॉर यीशु मसीह के नाम से, होली गोस्ट फॉर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, हर एक जन को छू लीजिए मेरे पिता। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता भय लगता, गंदे सपने ख्याल विचार आते, मेरे प्रभु जब भी लटे जाता अपने सुख की नींद आने पाए पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना कोई बदरोही दुष्ट आदमी गंदी आत्मा इनके जीवन में हस्तक्षेप न करने पाए, कार्य न करने पाए। मेरे पिता का वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भविष्य न डरना। मेरे पिता आपने वचन के माध्यम से कहा, मेरे प्रभु मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्राणों को सुनाए, छोटे से भी तू उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।